अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कर रहा हूँ खैरियत के साथ होंगे। आज छुट्टी का दिन था तो अभी मिस्टी को लेके वॉक के लिए निकल रहा था और ये एक्साइटेड है तो इसको भी ऊपर फील्ड में लेके जा रहा हूँ। इसको थोड़ी देर छोड़ूंगा, उधर बैठूंगा इसके साथ, पिशी पोटी कर ले। और ऊपर फील्ड में काफ़ी दिनों से घोड़ा आया हुआ है तो आज जब मैं सुबह इसको लेके गया था तो वो लेटा था, मुझे था शायद मर गया बट वो ज़िंदा था। और अभी जो है वो उधर ही है, घोड़ा नज़र आ रहा है। अच्छा, इसने इधर पिशी कर दी है, खैर कोई नहीं। तो वो ऊपर से घोड़ा वाइट कलर का घोड़ा है, नज़र आ रहा है। एक इसको यहाँ से ऑफ लीड कर दूँगा। मेन रोड पे गाड़ियाँ होती हैं तो इसलिए उधर उसको ऑफ लीड नहीं करता, और कोई कुत्ता आ जाए तो तब मसला हो जाएगा रोड के ऊपर में। कोई एक करती कुछ भी नहीं है उसके साथ। अब पहले पहली दफ़ा में इसने उसको देख के ज़रा तंग हुई थी ये कि क्या है, भोंकी थी, बट उसके बाद ये सही हो गई है, यानी कि यूज़ टू हो गई है अब उसकी। घोड़ा प्यारा है, प्योर वाइट कलर में घोड़ा है। तो इधर कोई बंदा बैठा है, उसके पास कुत्ता तो नहीं है। ये भी आई है घोड़े के साथ, इधर ऊपर रहेगी। घोड़ा प्यारा वाइट एंड ब्लैक में, पहले दिन जब मैंने देखा था तो वॉश हुआ हुआ था, सही साफ सुथरा चमक रहा था। ए मिस्टी, बच्चे बैठे हैं उनको देख। तो ये उसके लिए पीछे हे वाला इन्होंने बैग भी रखा हुआ है, और वो बच्चों को देख के मस्ती कर रही है क्योंकि चेंज हो रहा है इसका टाइम, ऊपर से प्रेग्नेंट भी है। तो खैर थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा सेट होते हुए। ये आ गए हम ऊपर वाली फील्ड में और ये चली गई अंदर। मैं बैठूंगा धूप में, दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा देना। तो अभी कोई भी कुत्ता नहीं है। ग्रास भी दो तीन दिन पहले इतना बड़ा हुआ हुआ था तो कल एक मशीन वाला आया था ट्रैक्टर लेके, उसने सारा नीचे वाली फील्ड सारी ऊपर वाली फील्ड सारी उसने साफ़ की, ग्रास काट दी है। ये ग्रास अभी भी पड़ा हुआ है। ये आई नो, मेरे हाथ पे लगे थे उस दिन। उस दिन इधर बैठेंगे, वो भी इधर ही घूम रही है बस। अभी आज ओल है, ओल है। यू नो मिस्टी पिस्टी, मेरे बैठने की देर थी, आ गई है साथ ही प्यार करवाने। तो ये देखिए ये बेगम पंगे कर रही है इसके साथ, और ये देखें पौधे तोड़ के इधर उधर से लाइए उसके कान में ला के डाल दिए। मिस्टी आता नहीं है। 20 मिनट 15 मिनट हो गए बैठे हुए इधर, तो इसके बाद यहाँ से उठेंगे और फिर घर चलते हैं। अब यहाँ से हम चल पड़े हैं घर की तरफ। तो आज इस साइड पे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान वाली साइड से जाऊँगा। उस साइड पे भी वो नीचे वाली फील्ड में आ जाता है रास्ता, तो इसको इधर से लेके जाऊँगा मिस्टी को। एक वो ऊपर से रास्ता जा रहा है और एक ये रास्ता जा रहा है। और काफ़ी लोग जो इसको देखते हैं ना मिस्टी को, वो कहते हैं ये वुल्फ है, क्योंकि जिसके चेहरा है ना फ्रंट से वो वुल्फ की शक्ल देते हैं। मिस्टी जी, ये निकल आए हम बाहर। ये यहाँ पे दरवाज़ा बना हुआ था, दरवाज़ा तो कोई खैर उतार के ले गया। और इधर भी काफ़ी घर में हैं कुत्ते, तो इसको पता है ये उन उन घर के पास जाके स्निफ करती है या भौंकती है। ए कम हियर, झाड़ियों में घुस रही है। ये कब्रिस्तान है ऊपर की साइड पे। ये इस साइड पे भी गोरों का भी है और अपने मुसलमानों का भी है, मिक्स है ये कब्रिस्तान। हाय मॉर्निंग, यू राय? आई एम फाइन थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। थैंक यू। मैं इनको रोज़ निकलते हुए हेलो हाय करता हूँ। अच्छा, वो कब्रिस्तान की एंट्रेंस है, बड़ी मेन एंट्रेंस वहाँ पे है, वो जिधर दो बंदे खड़े हैं। वो इसकी उधर मेन रोड से भी है एंट्रेंस। तो ये रास्ता नीचे फील्ड में वापस जा रहा है, और इसको बेल्ट लगा लूँ क्योंकि आगे से एकदम कोई कुत्ता आ गया ना, इसमें रुक रुक करना है। मिस्टी पस्ती और रुक जाना मिस्टी पस्ती।
इधर उस दिन मुझे लगा था ना ये पौधे निकले हुए बाहर मेरे हाथ, तो उस दिन पौधे लगे ये वाले, और मुझे क्या उसको कह लें दाने निकल आए एकदम, इतनी मिर्चें लगना शुरू हो गई उफ के बता नहीं सकता। फिर घर जाके मैंने पानी से हाथ धोए, लोशन लगाया, कोई 5-6 घंटे उसके बाद भी मुझे जलन और मिर्चें लगती रही, पर बाद में फिर बेहतर हो गया था। ये रास्ता इधर ही नीचे वाली फील्ड में जाता है, पर ये राउंड घूम के ये देखें ये माइट भी इधर गुलेरियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो ये गुलेरियों की तरफ भागती है, पर दोनों मेरे पाँव पे लग गया शायद, मुझे ईच हो रही है बहुत ज़्यादा, नहीं सर इसको भी लग गई है शायद। तो ये रास्ता नीचे उतर आया, हम आ गए इधर नीचे। अब दोनों साइडों पे रास्ता निकलता है, एक साइड पे मेन रोड से आता है, एक साइड पे वही फील्ड आ जाती है जिधर वो घोड़ा बंधा हुआ है, तो उधर कुत्ता है उस साइड पे नहीं जाना। ओ उधर कुत्ता है, इसने देख लिया तो पहुँच गए मिस्टी मूव। तो अभी हम इधर मेन रोड से जा रहे हैं, उस साइड पे फील्ड है, तो इस साइड पे घर की साइड से जा रहे हैं। इनके पास भी कुत्ता है ना, हाय योर आई, तो ये रास्ता मेन रोड पे आ गया हमारा। वीडियो भी लंबी हो गई है, ये बाटले दिखा रहा हूँ आप लोगों को, बाटले ऐसा है, बाटले में जो हमारा घर जिस साइड पे है कार्लिंग हाउ लेन, ये जगह है। तो रात को मैं इसको इस फील्ड में लेके आता हूँ, रात की वीडियो का व्लॉग मैं अलहदा बनाऊँगा इसके साथ वॉक पे। ये ऊपर भी वही फील्ड का रास्ता जा रहा है जो ऊपर जिधर घोड़ा बांधा हुआ है, और ये हम मेन रोड पे आ गए, हमारा घर उस साइड पे है, और ये नीचे फ्रेंकी साइड आ गए। अभी घर आ गए मिस्सी के मॉर्निंग वॉक के साथ, तो ये वीडियो इधर ही ख़त्म होती है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। इसके बाल इसको भी ब्रश करूँगा, बाहर का धूप बहुत तेज़ थी तो उस वजह से भी ऐसे है।